हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज अगला दिन हो गया है, मंडे है और हम जा रहे हैं जयपुर, मैं और हिमांशु। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था हमें कहाँ जाना है, बट मैं इसी व्लॉग में बताऊंगी। सो अभी फटाफट से चाय पी लेते हैं। मैंने मतलब तैयार हो गई हूँ, नहा वाली हूँ, बस थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। सो एक्चुअली हमने आपको एक व्लॉग में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं और हिमांशु फिर से चाचा चाची बन गए हैं। हिमांशु के कज़न ब्रदर योगेश भैया और भाभी हैं, उनके यहाँ ही जाना है। आज पूआ पूजन है उनके यहाँ बेबी का, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। बाकी तो आपको अपडेट करते ही रहेंगे, निकल जाएंगे। आज ही फंक्शन है तो आज ही अटेंड करके हमें वापसी भी आना है। तो अभी फटाफट चाय पी लेते, चाय ठंडी हो जाएगी और फिर उसके बाद निकलना भी है। और आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। ये वाला मैंने सूट पहना है, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती, रुको। ये देखिए मैंने आज पायल पहनी है, मतलब मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास ऐसी कोई पायलें भी रखी है। मतलब बहुत सारी एंकलेट्स है मेरे पास, उसमें एक ये भी है। वो तो मैं कुछ सामान निकाल रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। बिकॉज कहाँ पहनने में आती है, मतलब मेरे को आई थिंक मैंने 1-1.5-2 साल बाद पायल, या 2.5 साल बाद, मतलब जो शादी हुई थी तभी पायल पहनी थी कुछ महीने के लिए, उसके बाद अब पहनी होगी तो रखी थी। मैंने कहा चलो ये वाली लाइट भी है, पहन लेते हैं एक आध दिन। सो वी आर ऑल सेट टू लीव। थोड़े थोड़े से मैंने लिपस्टिक, काजल और बिंदी कर लिया है और लेके जा रही हूँ अपना नया बैग कैप्रिसी का। वाओ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आपको बाकी ये मिंत्रा हॉल के अंदर दिखने ही वाला है, दिस वॉच अगेन मिंत्रा हॉल में दिखने वाली है। अभी हम निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी में बैठने के बाद। इतना सही थे वो गिफ्ट्स जो हम लेके जा रहे हैं हमारे बेबी के लिए। ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, जो भी थोड़ा बहुत था। फाइनली एक जगह मिली थी जहाँ हम खा सकते थे, फ्रेश हो सकते थे। उसके बाद मेरे को तो डर लग रहा था, मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा बहुत तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लूँ और उसके बाद फटाफट से चलते हैं। फिलहाल सी एन जी मिलवाने के लिए वो लोग बहुत तेज़ मिल जाती थी, कल आपने देखा ही लिए गए थे लास्ट ब्लॉग में। और जो मैं गिफ्ट पैक कर रही थी तो वो जो हम टेप लाए हैं गलत भी आए हैं, तो फिर देखते हैं चलो टेप मिलेगी तो फिर वो गिफ्ट पैक हो गए। हाँ वहाँ की पहाड़ शुरू हो गई। टाइम होने जा रहा है, होने दिन कितनी लंबी टनल है ना। फाइनली जयपुर में एंटर हो गए हैं और ये मुझे कोई अच्छी मिठाई की शॉप दिखी तो हम यहाँ रुक गए हैं। काफ़ी फ्रेश मिठाई थी यहाँ पे, मैंने टेस्ट करी थी। वैसे तो मुझे जयपुर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैंने यहाँ से नारियल की बर्फ़ी पैक करा ली क्योंकि काफ़ी फ्रेश थी और मुझे टेस्टी लग रही थी क्योंकि खुशी का मौका। फाइनली गिफ्ट्स पैक हो गए हैं, थैंक यू हिमांशु। अब जाके हमें टेप मिली है, ये इस एक टेप ने बहन तूने बहुत परेशान किया, बहुत कल से परेशान कर रखा था। सब पैकिंग हो गई है, सो अभी के लिए तो ये रख दो पीछे। अब हम कॉलोनी में आ गए हैं तो उनका घर ढूंढ लेते हैं फटाफट से, मुझे बिकॉज एकदम से याद नहीं है लोकेशन। हाँ, तो देखी। और क्या? दो दो तू
और यहाँ पे जो भी मम्मी होती हैं उनको चूड़ा पहनाया जाता है, और जितना मुझे भाभी ने बताया लाल और हरा चूड़ा आज के दिन पहनते हैं। चप्पल चाहिए भैविन को, भैविन को चप्पल चाहिए। और हो गए हैं हम तैयार, ये रहा मेरा आज का लुक। बताइएगा जरूर कैसी लग रही हूँ, और बताइएगा भाभी कैसी लग रही हैं। ये कुछ तो होता है जो भाभी के मायके से आया है, जो इसमें बेहवीन और ध्वनि दोनों का नाम लिखा है। ये रही मम्मा, मम्मा हाय। शर्मा क्यों रहे हो? घूंघट में, घूंघट में नहीं, बहुत अच्छी आ रही हो। कितना अच्छा मेकअप लग रहा है, पता है? पसीना आ रहा है, नहीं आ रहा ना इतना? आपको लग रहा है? अब घूंघट थोड़ा सा ऊपर तो कर, अच्छे आ रहे हो। और बाहर ढोल वाला आ गया है, तो इसलिए सबका एक्साइटमेंट लेवल हो चुका है डबल। और यहाँ पे भाभी की झोली में चावल भर रहे हैं, और वो चावल जो है भाभी घर में सब जगह फैलाएंगी। उसके बाद हम निकलते हैं कुआं पूजन करने के लिए। और क्योंकि अब ज़्यादातर तो कुआं नहीं मिलता है, इसलिए बोरिंग को पूजने के लिए आ गए हैं। इंजॉय करिए हमारा राजस्थानी कल्चर। जितना बहुत मुझे समझ आ रहा है उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर थोड़ी सी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा।
और ये देखिए सब लोग इनकी होने की खुशी में नाच गा रहे हैं और ये आराम से सो रहे हैं। बहुत क्यूट है ध्वनित भी। और उसके बाद नाश्ता तैयार हो गया है। इसके बाद जो सुमन भाभी के मायके वाले हैं वो टीका कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस रिचुअल को क्या बोलते हैं। उसके साथ हमें उन्होंने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी दिए। और उसके बाद भैया और भाभी के लिए जो भी वहाँ से गिफ्ट्स आए थे वो लोग वो दे रहे थे। आई नो मैं यहाँ से वीडियो ले रही हूँ बिकॉज आप लोग समझ सकते हैं मेरा पहला फंक्शन था ससुराल में। ऐसा मुझे एकदम से वीडियोस बनाने में व्लॉग बनाने में थोड़ी सी हिचक भी हो रही थी, तो जो भी एंगल पे मैं बैठी थी मैं वहीं से ले रही थी। देखो पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, पापा के पास क्या है देखो। ले माँ को सोने की सीढ़ी चढ़ा दे, हाथ में पकड़ो, इधर पकड़ो, बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो, बाबू को इधर ले आओ, इधर बैठ जाओ, दादी के लिए लाया माँ, हाँ माँ के पैर में लगा दो, अरे बाबू को भी हाथ लगा दो, बाबू का भी हाथ लगवा दो, चलो पीछे हो इधर थोड़ा, थाली पे पैर रखो के ना, थाली पे पैर रखो के, दोनों पैर रख ले, दोनों पैर रख लो बाबू, माँ के लगा दे, छोटे बाबू कैच लो, होल्ड कैच नहीं, माँ के पैर छू, सही से छू, सही से और उसके बाद हम अंदर आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। ये रहा भाभी का सेकेंड लुक, बहुत ही प्यारी लग रही थी इस राजस्थानी पोशाक के अंदर। और अब चलते हैं डिनर करने के लिए। बहुत ही यम और टेस्टी डिनर था और भैया ने इसलिए हमें पैक करके भी दे दिया था। निकलते हैं फटाफट दिल्ली के लिए। का घर आ गए हैं। आई होप आपको पूरा व्लॉग अच्छा लगा और जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज थी उतना मैंने इसके अंदर लगाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। मुझे तो सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा। सच में सब लोगों ने इतने अच्छे से ट्रीट किया, सब लोगों ने इतने अच्छे से वेलकम किया वहाँ पे, एंड मुझे इतनी खुशी हुई। नो वन वॉज बॉदर्ड कि मैंने क्या पहना है, मैं कैसी हूँ। सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, इतने प्यार से मुझसे मिले भैया भाभी सभी लोग, सभी सभी लोग, बहुत मैक्सिमम लोगों से मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी। जो एकदम मतलब फैमिली वाले हैं उनसे, उनको तो ऑफकोर्स मैं जानती ही थी सबको, बट जो बाकी रिलेटिव्स थे, एक्सटेंडेड वाले रिलेटिव्स थे, उनसे भैया भाभी ने और जो माँ हैं उन्होंने, मतलब जो भैया की दादी हैं उन्होंने मिलवाया, और भैया भाभी ने, दीदी ने, मतलब बाकी लोगों से मिलवाया। एंड बहुत अच्छा लगा, इतनी वेलकमिंग, इतना अच्छा लगा मुझे फंक्शन का पार्ट होके। मुझे पता है थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग के अंदर हमें एक बर्थडे पार्टी में भी जाना था अंकित की बेटी की,
जो कि नोएडा में थी, एंड बहुत लेट हो गए थे वहाँ से आने में। आने के बाद हमने पैकिंग करी, सब कुछ किया, एंड गाड़ी में बहुत कुछ किया, पैकिंग वगैरह। तो इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी जो भाभी की मम्मी हैं और पापा हैं, मतलब जो मैके वाले हैं, वो इतनी खूबसूरत साड़ी मेरे लिए लेके आए थे। आंटी थैंक यू सो मच, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो साड़ी। इट्स जस्ट कि आपका प्यार ही बहुत है वो साड़ी वगैरह की फॉर्मेलिटी। आई नो आपने बहुत दिल से, बहुत प्यार से दिए, बट वो करने की ज़रूरत नहीं थी। बट आप प्यार आपका जो है वो ही बहुत है हम लोगों के लिए। आप बड़े हैं हमारे, आपका आशीर्वाद ही बहुत है हम लोगों के लिए। पर बहुत खूबसूरत है, मैं ज़रूर उसको तैयार कराऊंगी और पहनूंगी, तो मैं ज़रूर ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। वो अभी मैंने अनपैक करके रख दी है। और सभी लोग बहुत अच्छे थे, जो दीदी जो भाभी के मायके वाले थे, और बाकी जो हमारी तरफ के रिलेटिव्स थे जिनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी। कुछ लोगों से तो मैं पहले से जानती हूँ, उन्हें तो फिर पता ही है मुझे अच्छे ही हैं। और सच में मैं शब्दों में नहीं बता सकती मुझे कितना अच्छा लगा वहाँ जाके। मैं थोड़ा सा, सच झूठ नहीं बोलूँगी, हेजिटेंट थी कि क्योंकि शादी के बाद फर्स्ट ही ऐसा फंक्शन था जब मैं अटेंड कर रही थी, और सिर्फ हिमांशु थे। एंड फीमेल्स का मेनली फंक्शन रहता है, यू नो, कुआ पूजन, वो लोग जा रहे हैं, मेल्स का ऐसा सच कोई रोल नहीं होता। तो मुझे, मैं थोड़ी सी हेजिटेंट थी कि यार वहाँ जाके चेंज भी करना होगा, फर्स्ट टाइम ऐसे सब लोग होंगे, कैसे होगा, तैयार होना होगा। और अब वट इफ किसी को हर्ट कर दूँ, कोई कोई बात का बुरा मान जाए, है ना, तो पता नहीं होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी है, क्योंकि मुझे जो ऐसे स्लो पेस में, जैसे राजस्थानी कोई बात करता है मुझे समझ में आते हैं, बट कोई बहुत स्पीडली या फिर वो एकदम ठेठ राजस्थानी बात करते तो मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मुझे इन सब चीज़ों की हेजिटेशन थी, और ऐसे हिमांशु के साथ अकेले जा रही थी, बहुत हेजिटेशन थी। बट फिर भी सब ने मुझे बहुत अपनापन फील कराया, बहुत प्यार से रखा। थोड़े घंटे ही रुक पाई मैं, एंड सब लोग रोक रहे थे, नहीं रुक पाई बिकॉज दिन अगले दिन जाना था, ऑफ नहीं था, एंड वापसी दिल्ली आके यू नो काम वगैरह था, इतनी छुट्टियां भी हैं नहीं। बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो। सबको तहे दिल से, सच्ची में, डीप, एकदम डीपली बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे दिन पे दिन इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि स्ट्रांग रहने के लिए मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भी ज़्यादा प्यार देते रहिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाइक करने के लायक है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे ना मुझे ऐसे इंटरेक्टिव बनता है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ सच में कोई देख रहा है, रिएक्ट कर रहा है, यू नो, वन वे नहीं है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोग भी मुझसे बात कर रहे हैं। और हाँ, मुझे वहाँ पे दो तीन लोग भी मिले जिन्होंने बताया कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे सुमन भाभी ने शायद उन्हें बताया होगा मेरे चैनल के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपने मुझे बताया, अप्रिशिएट किया। तो मतलब ऐसे लगता है, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ लोगों तक पहुँच रहा है मैसेज, पहुँच रहे हैं मेरे वीडियोस, तो खुशी होती है। और इसी तरह प्यार देते रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इससे मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अभी के लिए ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।